अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फिनसेंस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एमएस सुहेल और आज मैं आपके लिए एक 10 मरला मॉडर्न डिज़ाइन हाउस का टूर लेकर आया हूं, जो कि बहरिया टाउन लाहौर इस घर की लोकेशन है। बहरिया टाउन लाहौर में अगर हम देखें तो ओवरसीज़ बी ब्लॉक में ये घर है और मॉडर्न स्टाइल में इस घर को तैयार किया गया है। कंप्लीट अगर इसके फ्रंट की हम बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट आपको टाइल वर्क जो है इसके फ्रंट पे नज़र आएगा। सेकंड इसके अगर रूम्स की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 5 बेडरूम्स इस घर के अंदर 5 बेडरूम्स आपको मिलेंगे। ड्राइंग, डाइनिंग, टीवी लाउंज, किचन, ईच एंड एवरीथिंग जो कि एक 10 मरला घर की रिक्वायरमेंट है, सारी आपको इस घर के अंदर मिलेगी। तो चलें आए हम इस घर का टूर स्टार्ट करते हैं। ये इसका गैरेज एरिया है। जब हम गैरेज एरिया में आते हैं तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप इजिली अपनी 2 गाड़ियाँ जो है वो इस गेट से अंदर जो है वो पार्क कर सकते हैं। सेकंड, आप यहाँ पे 2 गाड़ियाँ गेट के बाहर भी यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं, मतलब 4 गाड़ियाँ आप टोटल, 2 गाड़ियाँ अंदर और 2 गाड़ियाँ बाहर यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं इजिली। सेकंड, इसकी अगर हम वॉल्स को देखें तो वॉल्स को भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और उसके बाद अगर हम इसकी एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ पे ये जो है इसकी मेन एंट्रेंस है, डबल डोर के साथ आप ये देख सकते हैं, जिसमें ग्लास का भी इस्तेमाल किया गया है और सॉलिड वुड का भी इस्तेमाल किया गया है। सेकंड, अगर हम मेरे लेफ्ट साइड पे देखें तो ये इसके ड्राइंग रूम का एरिया है, जहाँ से हम ड्राइंग रूम के एरिया में यहाँ से एंटर हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ। घर में हम जैसे ही एंटर होते हैं तो एक ये सेपरेट रास्ता है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप इस घर को रेंट आउट करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से क्लोज करके इसको ऊपर वाला पोर्शन जो है उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये कि यहाँ पे बिल्कुल साथ आपको यहाँ पे इसका पाउडर रूम का एरिया मिलता है, जिसको आप गेस्ट वॉशरूम बोलते हैं, और इस वॉशरूम को आप गेस्ट पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये टीवी लाउंज का एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है और आप स्टार्ट में बिल्कुल देखें, एक तो ये डबल डोर एंट्रेंस है टीवी लाउंज की। सेकंड, इसके बिल्कुल साथ यहाँ पर आपको ये स्लाइडिंग डोर के साथ से किचन की एंट्रेंस यहाँ से मिलती है। और किचन में अगर हम एंटर हों तो आप ये किचन देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस किचन को भी डिज़ाइन किया गया है। प्रॉपर इसमें हुड इंस्टॉल्ड है, बर्नर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे आप देखें किचन में तो यहाँ पे ये हैंगिंग लाइट का इस्तेमाल किया गया है। सेकंड, यहाँ पर आपको फ्रिज भी मिलते हैं, यहाँ पर किचन के अंदर ही आपको बेकिंग मिलते हैं और साथ ही आप यहाँ पर ओवन भी मिलते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने टीवी लाउंज की तरफ। टीवी लाउंज के एरिया में यहाँ पे आप देखें तो ये प्रॉपर सोफा सीटिंग है, जिसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है। एंड सेकंड, इसकी वॉल की अगर हम बात करें तो इस वॉल पे टाइल का इस्तेमाल किया गया है विद गोल्डन स्ट्रिप्स के साथ, सोफाज एंड टाइल का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन यहाँ पे किया गया है। टीवी लाउंज के अंदर यहाँ पे वॉल पे आपको सीनरी देखने को मिल रही है, जो कि टर्की व्यू यहाँ से आपको सीनरी में नजर आती है। सामने इसकी मीडिया वॉल है, इसको भी हम देखें तो ये भी बहुत जबरदस्त तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, प्रॉपर एक कलर कॉम्बिनेशन के साथ। आप इसमें देख सकते हैं ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर आपको ये कोल्डिंग का इस्तेमाल किया गया है वुडन के साथ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अगर हम देखें तो इसको प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया गया। सेकंड, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा जिनकी आपको यहाँ पे एक्सेस मिलती है, प्रॉपर इस घर में सीसीटीवी 4 कैमरा इसमें इंस्टॉल्ड हैं। इसकी अगर हम सीलिंग की बात करें तो ये सीएनसी वुडन कटिंग में आप इसकी सीलिंग देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो है सीलिंग यहाँ से नज़र आती है आपको। सेकंड, इसके हम मूव करते हैं ड्राइंग रूम के एरिया की तरफ। ड्राइंग रूम का एरिया भी अगर आप देखें तो ये ड्राइंग रूम का डोर भी जो है ये स्लाइडिंग डोर है, यहाँ से आप लाउंज के अंदर भी जा सकते हैं, ड्राइंग रूम के एरिया में भी आ सकते हैं। और ड्राइंग रूम के एरिया में भी आप देखें तो यहाँ पर हमें एक अच्छी स्पेस देखने को मिलती है, सोफा सेटिंग आपको प्रॉपर यहाँ पर नज़र आती है, वॉल्स के ऊपर हमें यहाँ पर वाल पेपर नज़र आ रहा है, सीनरी नज़र आ रही है, वो आप देख सकते हैं कि वॉल को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। सेकंड, इसके कर्टन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, वर्सेची स्टाइल में कर्टन्स को इस्तेमाल किया गया है। और साथ यहाँ पे ड्राइंग रूम के एरिया में आपको ये देखें तो ग्रीक का यहाँ पे टावर एसी भी आपको इसके अंदर ही मिलता है। और व्यूअर्स, मूव करते हैं हम अपने बेडरूम की तरफ। व्यूअर्स, इसके बेडरूम्स का हम आपको ओवरव्यू करवाते हैं। तो एक बेडरूम ये है एंड देन फर्स्ट बेडरूम हमारा ये है। इस बेडरूम का हम व्यू करते हैं अंदर से। इस रूम में भी जब हम एंटर होते हैं तो यहाँ पर हमें लाइट कलर कॉम्बिनेशन के साथ एक बहुत ज़बरदस्त इस रूम का जो है वो व्यू मिलता है। बेड आप देख लें तो बहुत ही ज़बरदस्त स्किन और ब्राउन कलर के साथ इस बेड का कलर कॉम्बिनेशन है, जो कि प्रॉपर वॉल के साथ जिसको डिज़ाइन किया गया। साथ में इसका आपको यहाँ पे कंसोल एरिया मिलता है और इसके बिल्कुल साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर मीडिया वॉल एंड देन सेकेंड यहाँ पर आपको इसका स्टोरेज एरिया प्रॉपर नज़र आता है। स्टोरेज एरिया के बिल्कुल साथ यहाँ पर हम इसका वॉशरूम अगर देखें तो वॉशरूम के अंदर भी आप ये वैनिटी देखें, जिसको टच मिरर के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। सेकंड, यहाँ पर इसका शॉवर एरिया हम देखें तो ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस प्रॉपर वॉशरूम की जो है वो सेटिंग की गई है। मूव करते हैं इसके सेकेंड बेडरूम की तरफ।
तो व्यूअर्स ये इसका सेकंड बेडरूम है और ये बहुत ज़बरदस्त ब्लू कलर कम्बिनेशन के साथ आप ये देखें इसका बेड है। एंड देन सेकंड वही ब्लू और स्किन कलर आपको इसकी बेड वॉल में भी नजर आएगा। बेड वॉल में अगर हम देखें तो वॉलपेपर का इस्तेमाल भी किया गया है, वुडन का इस्तेमाल भी किया गया। और इसके अगर हम सीलिंग की बात करें तो सीलिंग में आप ये देख सकते हैं लाइट मिरर का इस्तेमाल किया गया है सीलिंग में। और बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको इसका वार्डरोब का एरिया मिलता है, जो कि बहुत ही ह्यूज साइज में आपको इसका वार्डरोब का एरिया नजर आता है। और इसी वॉल में आपको यहाँ पर इसकी मीडिया वॉल नजर आती है। वॉशरूम के एरिया में जब हम आए तो सबसे पहले हमें इसकी वैनिटी नजर आती है, टच मिरर आप ये देख सकते हैं ऊपर, आप सामने आप अगर इसकी लाइट देखें तो प्रॉपर आपके ऊपर फोकस इन लाइट्स का पड़ता है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जकूजी का इस्तेमाल किया गया है, जकूजी बहुत बड़े साइज में यहाँ पे जकूजी इंस्टॉल किया गया है। सेकेंड यहाँ पर आपको ये निश मिलती है इसे, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ये शॉवर एरिया इसका मिलता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस हाउस। स्टेयर्स पर अगर हम देखें तो ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। स्टेज से आप जैसे ही ऊपर आते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पर यहाँ पर ओपन टेरेस जो है, फ्रंट का टेरेस, उसकी एक्सेस मिलती है। सेकंड अगर हम यहाँ से अंदर चलें तो यहाँ पर आपको ये टीवी लाउंज के एरिया यहाँ पर ये मिलता है देखने को। टीवी लाउंज के एरिया में जब हम आते हैं तो सामने बिल्कुल हमें यहाँ पे इसका किचन का एरिया नज़र आता है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इस घर को आप एज ए डबल यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन के एरिया में हम देखें तो यहाँ पर आपको ये हुड एरिया नजर आता है, बर्नर मिलता है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको पूरे किचन को डिज़ाइन किया गया है। ऑब्वियस ये इस फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज है। और यहाँ पर आप ये देखें तो सोफ़ा सेटिंग का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। और इसके सामने बिल्कुल हम देखें तो इस वॉल को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया। यहाँ पर आपको इस वॉल में कोल्डिंग नज़र आएगी, आपको स्मॉल लाइट्स भी इसमें वॉल में नजर आती हैं। सेकंड अगर हम देखें तो यहाँ पर वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है बैक पे, और यहाँ पे सीनरी का इस्तेमाल भी किया गया है। और यहाँ पे राइट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको इसकी मीडिया वॉल मिलती है, जिसको वुडन के अंदर तैयार किया गया है विद वॉलपेपर। ये फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम है। और इस रूम में जब हम एंटर होते हैं तो यहाँ पर हमें डार्क ग्रीन कलर का कलर कम्बिनेशन देखने को मिलता है। बेड को अगर हम देखें, बेड वॉल को देखें या कर्टन्स को अगर हम देखें तो प्रॉपर तरीके से इस बेडरूम को डिज़ाइन किया गया है। इस रूम के अंदर प्रॉपर आपको ये बेड सेट नज़र आएगा, विद ड्रेसिंग टेबल भी आप देखें तो ज़बरदस्त तरीके से इस प्रॉपर रूम की जो है वो कलर कम्बिनेशन की गई है। रूम के अंदर ही आपको यहाँ पे इसका वार्डरोब का एरिया मिलता है, जो कि बहुत बड़े साइज में अगर आप देखें तो इसका वार्डरोब का एरिया है। और ये इस बेडरूम का वॉशरूम है। इस वॉशरूम का भी अगर हम देखें तो साइज बहुत परफेक्ट है। यहाँ पे राइट साइड पे आपको इसका कमोड एरिया मिलते हैं, और सामने इसकी आपको ये वैनिटी नजर आती है। और इसके बैक पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जकूजी का इस्तेमाल किया गया है। ये इसका सेकंड बेडरूम है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ब्लैक थीम एक देखने को मिलती है। बेड में अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे इसके कर्टन्स में देखें तो हमें प्रॉपर यहाँ पे ब्लैक और ये स्किन कलर की जो है कलर कम्बिनेशन देखने को मिलती है। सेकंड अगर हम इसकी बेड वॉल की बात करें तो यहाँ पर आप ये देखें स्पेनिश स्टाइल में इसका वॉलपेपर इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर ये वुडन का इस्तेमाल भी किया गया है। इस रूम के अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर रूम के अंदर ही हमें एक बहुत ही बड़े साइज़ में यहाँ पर इसका स्टोरेज एरिया मिलता है। व्यूअर्स मूव करते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। इस वॉशरूम का साइज़ भी बहुत परफेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त साइज़ है। राइट साइड पे हमें सबसे पहले इसका वैनिटी का एरिया नज़र आता है, और साथ ही हमें यहाँ पे कमोड और ये इसका शॉवर एरिया। और टाइल वर्क देखें तो, और प्रॉपर अगर हम वॉशरूम भी देखें तो प्रॉपर एक कलर कम्बिनेशन के साथ इस वॉशरूम को डिज़ाइन किया गया है। ये इस फ्लोर का थर्ड बेडरूम है। और इसके अगर हम बेड वॉल देखें तो इसकी बेड वॉल को भी प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, वुड का इस्तेमाल किया गया है, कोल्डिंग और ग्लास का इस्तेमाल किया गया। और लाइट के साथ आप ये देखें तो बहुत ज़बरदस्त आपको यहाँ से इसका व्यू देखने को मिलता है। सेकंड इसके अगर हम यहाँ पे वॉशरूम की बात करें तो इस वॉशरूम का साइज़ भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त साइज़ है। यहाँ पर भी आपको शॉवर एरिया मिलता है, आपको यहाँ पर वैनिटी मिलती है, और साथ यहाँ पर आपको कमोड का एरिया भी मिलता है। ऑब्वियस ये अब हम आपको इसका टेरिस का व्यू दिखाते हैं। टेरिस पर जब आप आते हैं तो टू स्टेप डाउन आपको इसका यहाँ पे फ्रंट का टेरिस मिलता है। और यहाँ पर भी आप देखें तो आप यहाँ पे फ्री टाइम में इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर बैठ के यहाँ पे मौसम को इंजॉय कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ आप यहाँ पे बैठ के सामने का व्यू ले सकते हैं। तो व्यूअर्स आई होप के इस घर का टूर आपको पसंद आया होगा। एक दफ़ा लास्ट में दोबारा मैं आपको बता दूँ कि ओवरसीज़ बी ब्लॉक बहरिया टाउन लाहौर इस घर की लोकेशन है। 4.75 इस घर की डिमांड है। आप इस घर को परचेज़ करना चाहते हैं या आप इस घर को विजिट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे राबता करके किसी भी टाइम इस घर को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंशाल्लाह जल्द आएंगे कि नई वीडियो से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।